निशान सिंह मुल्कानी का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हो चुका है रिलीज। अपने एलिमिनेशन से नाराज है निशांत। नमस्कार, मैं हूँ लिसा गंगवानी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि निशान सिंह मुल्कानी जो हो गए हैं इस वीक एलिमिनेट, जिनको घर वालों ने आपस में ही वोट्स देके कर दिया एलिमिनेट, वो है अपने एलिमिनेशन से नाराज जी। उनका साफ कहना है कि अगर वो इविक्ट हुए होते जनता के वर्डिक्ट से तो वो इस बात को सर आंखों पर रखते, लेकिन वो ये बात नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि घर वालों ने उन्हें कर दिया वोट आउट, क्योंकि उनकी ऑडियंसेस ने उनका साथ दिया था। ऐसे में निशान का ये कहना है कि जब मुझको बिग बॉस में बुलाया गया, और आज तक जब बिग बॉस में सिर्फ जनता के वर्डिक्ट के हिसाब से हुआ है इविक्शन, तो ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसको एक्सेप्ट। और साथ ही साथ निशांत ने घर वालों के बारे में भी बताई बहुत सारी चीजें, जहां उन्होंने साफ साफ कह दिया पवित्रा और एजाज का जो भी लव एंगल है वो टोटली है फेक। तो वहीं उन्होंने एजाज को बताया एक सनकी आदमी। जी हाँ, हम आपको बता दें कि निशांत सिंह मलकानी ने घर के कई सारे मुद्दों पर की बात, कई सारे लोगों के बारे में बताए, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत सारे खुलासे कर दिए उन्होंने घर से बाहर आने के बाद, जिनमें सबसे बड़ा खुलासा तो यही था कि भाई पवित्रा और एजाज कर रहे हैं बहुत अच्छी एक्टिंग लव में होने की, लेकिन उन दोनों का लव एंगल बिल्कुल पूरी तरीके से फेक है और ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको जब लोगों ने आके घर में बताया कि आप साथ में बहुत प्यारे दिख रहे हैं, तो उन्होंने इसकी एक्टिंग करना शुरू कर दी कि लड़ते लड़ते हो गया है उन्हें प्यार, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही हम आपको बता दें कि जान, जो निशांत के शुरू में काफी अच्छे दोस्त नजर आए थे, फिर जान की बेवकूफी की वजह से निशांत पहुंच गए थे रेड जोन में और हो गए हैं इविक्ट, तो उन पर खासा नाराज थे निशांत, और उन्होंने कहा कि जान के जैसा दोस्त होना आपके लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जी हाँ, उन्होंने कहा जान से बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं है, जो कभी भी पलट जाता है और जिसको खुद को समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। अब किस बात के आंसू, तुम्ही ने तो भेजा था मुझको रेड जोन में, और अब किस बात के आंसू बहा रहे हो जान। ऐसे में निशांत काफी नाराज नजर आए जान से, जहां पर वो नहीं देना चाहते थे जान की परफॉर्मेंस को कोई भी तूल। उन्होंने साफ कहा जान इज द मोस्ट अनट्रस्ट वर्दी फ्रेंड यू कैन एवर हैव, और जान जैसा दोस्त किसी का नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि घर में जिस तरह के लोग मिले हैं, जिस तरह के घटिया लोग मिले हैं, जी हाँ निशांत ने ये वर्ड यूज किया, घटिया लोग ऐसे उन्हें कहीं नहीं देखे हैं पूरी दुनिया में। जहां उन्होंने एजाज को बुला लिया सनकी, उनका ये मानना है कि एजाज जैसा सनकी उन्होंने आज तक नहीं देखा, जो कभी भी कुछ भी कर देता है। और वहीं उन्होंने बताया कि किस तरीके से बाकी कंटेस्टेंट्स भी बहुत अजीब अजीब पर्सनालिटीज हैं, जहां पर उन्होंने डिस्क्लोज किया कि पवित्रा कितनी ज्यादा लाउड और अननेसेसरी बदतमीजी से बात करने वाली लड़की है। जी हाँ, उनका साफ ऐसा कहना था कि उन्होंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी जो बिन बात हर बात चिल्ला कर ही करती है, और उनकी वॉल्यूम कभी नहीं जाती है नीचे। ऐसे में घर से निकलकर निशांत ने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कई सारे खुलासे कर दिए हैं। क्या ऑडियंसेस के इविक्शन नहीं होने की वजह से नाराज निशांत ने किए हैं ये खुलासे? हम आपको साथ में ये भी बता दें कि निशांत से जब ये पूछा गया कि क्या अगर आपको मौका मिलता है बिग बॉस के घर में वापस जाएंगे, तो उन्होंने ये बात साफ कर दी कि अगर बिग बॉस के मेकर्स मुझको ये आश्वासन देते हैं कि मेरा इविक्शन सिर्फ ऑडियंस वोट से होगा, तो मैं वापस जाना रिकंसिडर कर सकता हूँ, लेकिन अगर ऑडियंस वोट नहीं और घर वालों के हिसाब से होगी वोटिंग, तो मैं घर में नहीं जाना चाहूंगा वापस। उनका ये कहना है कि भाई घर वाले तो आपसी रंजिश निकालेंगे, हम लोग उस घर में रह रहे हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस ऑडियंस को जज करने दो, आपसी रंजिश से अगर बाहर निकलना ही है तो ऐसे बहुत बड़े इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स ही निकल जाएंगे अगली बार बाहर। क्या कहना है आपका इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के बारे में निशांत के, लिखकर बता दीजिए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही बात चैनल देखते रहिए, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार खबरें हम आप तक तो पहुंचाते रहेंगे।